नमस्कार। सीबीएसई ने 2021-22 सेशन के लिए असेसमेंट और इवेल्यूशन पैटर्न में चेंजेस किए हैं, यानी क्वेश्चन पेपर पैटर्न में चेंजेस कर दिए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न 2020-21 सेशन से अलग होगा, भिन्न होगा। ये चेंजेस 9th-10th के लिए और 11th-12th के लिए अलग अलग किए गए हैं। तो आइए एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं, जिनके आधार पर स्टूडेंट्स को 2021-22 के फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सीबीएसई बोर्ड ने 22 अप्रैल 2021 को एक सर्कुलर जारी करके असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर सेशन 2021-22 के बारे में जानकारी दी। सीबीएसई बताता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को अचीव करने के लिए और स्कूल्स के द्वारा एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम्स को अडॉप्ट करने के लिए सीबीएसई ने ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस में चेंजेस किए हुए हैं, जैसा कि उन्होंने 2019-20 में किया था और फिर 2020-21 में भी किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द ईयर 2021-22 को भी सामने रख रहा है, जिसमें पास्ट प्रैक्टिसेस से कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इन चेंजेस को कि ये चेंजेस क्या हैं। 9th-10th की अगर बात करें, 2020-21 की बात करें, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी शामिल हुआ करते थे, वो 20% हुआ करते थे। केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस 20% हुआ करते थे और बाकी का बचा 60% हुआ करता था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर हम 21-22 के मॉडिफिकेशंस की बात करें, तो यहां पर होंगे 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या होंगे? सीबीई क्वेश्चंस होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, केस बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या किसी और तरीके के क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस 20% एज इट इज होंगे और रिमेनिंग 50% जो बचता है वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का जो 60% हुआ करता था वो घट करके बचेगा 50%। तो ये चेंजेस हैं 9th और 10th के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11th और 12th के लिए। 11th और 12th में 2020-21 की जो प्रैक्टिस थी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुआ करते थे 20%, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 10%, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 70%। 2021-22 के लिए जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी सीबीक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 20% और इसमें हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस या किसी और तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो 20% हुआ करते थे पिछले साल, वो इस आने वाले साल में भी 2021-22 के लिए भी 20% क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो यहां पर जो 2020-21 में 70% हुआ करते थे वो 10% घट करके 60% रह जाएंगे। यानी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस घट करके 60% रह जाएंगे। तो ये चेंजेस हैं 11th और 12th के लिए। बाकी सीबीएसई स्पष्ट तौर पर कहता है कि इनके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए जो 2021-22 के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं और करिकुलम डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाना चाहिए और ज़्यादा डिटेल्स को जानने के लिए। ये हैं वो महत्वपूर्ण चेंजेस जो सीबीएसई ने 2021-22 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न में किए हुए हैं, असेसमेंट और इवेल्यूएशन में किए हुए हैं। इन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को अपने आप को 2021-22 सेशन के फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करना होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ। जय हिंद।